हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है दर्श का बर्थडे। तो ये दर्श के बर्थडे का पूरा फुल व्लॉग है। तो ये दिखाते हैं, ये दर्श उठ गए हैं और ये दर्श के न्यू कपड़े हैं। आज दर्श का रुचना होना है। ये वासु भी आ चुके हैं। एक्चुअली आज तिथि के हिसाब से दर्श का रुचना होना था, तो अब दर्श को मैं रेडी कर रही हूँ रुचना के लिए। और उसके बाद आगे आगे दिखाते हैं आपको कैसे कैसे दर्श का बर्थडे आगे सेलिब्रेट हुआ जाके। अभी फर्स्ट रेडी होएंगे, उसके बाद दर्श का रचना होएगा। दादी उनकी रचना करेंगी, पूजा करेंगे दर्श। पूजा होने के बाद फिर दर्श का केक कटिंग सेरेमनी होगी। वो केक कटिंग 31st को होता है। दर्श कहते तो मम्मा से मुझे कहना है सबसे सब लोग। ये दर्श का रचना होने जा रहा है। फाइनली ये तैयार होकर नीचे आ चुके हैं, दादी के पास बैठ चुके हैं पूजा के लिए। दर्श फाइनली पूजा करने लगे हैं। ये पूजा दर्श ने स्टार्ट करी, सारी पूजा दादी बताती जा रही थी जैसे जैसे वैसे वैसे दर्श कर रहे थे। और बहुत एक्साइटेड थे दर्श अपनी बर्थडे के लिए। बार बार कह रहे थे माँ रचना कब होगा, उसके बाद मेरा केक कब कटिंग होगी, मेरे सारे फ्रेंड्स कब आएंगे। तो ये दर्श शुरू हो गए हैं, स्टार्ट कर चुके हैं पूजा। जैसे जैसे दादी बताती थी वैसे तो पूजा करते जा रहे हैं। रचना होने के बाद फिर दर्श का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है नाना के यहाँ आके, क्योंकि ये एक्चुअली रचना दर्श का थोड़ा 2 दिन पहले होना था तिथि के हिसाब से। किसी किसी का बर्थडे तिथि के हिसाब से होता है, डेट के हिसाब से सेलिब्रेट करता है, बट हमारे यहाँ दोनों उन्हें सेलिब्रेट होता है। तो तिथि के हिसाब से दर्श का बर्थडे हो गया था उस दिन, और डेट के हिसाब से उस दिन नाना के यहाँ, नाना जी के यहाँ अपने आना था, क्योंकि उस दिन के मामा के ग्रैंड्स ओपनिंग थी शॉप की, गोदाम की, जो उन्होंने सरिया का बिजनेस शुरू किया है श्री राधे ट्रेडर्स के नाम से। तो उस दिन उनका भी ग्रैंड ओपनिंग थी और सुंदरकांड वगैरह था। उसके बाद दर्श की केक कटिंग हुई थी। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा कैसे कैसे सब कुछ वहाँ फंक्शन सेलिब्रेट हुआ है। तो अभी तो फिलहाल दर्श का पूजा ही चल रही है। पूजा दर्श ने पूरी विधान से करी थी एक चीज़, जैसे जैसे उनकी दादी बताते जा रही थी, और बिल्कुल भी एजिटेट नहीं हो रहा था, बहुत ही खुश था, बहुत ही हैप्पी था, और बहुत अच्छे से उसने पूजा करी। सही कर दो भाई, और अभी आरती हो रही है। दादी के साथ दर्श आरती कर रहे हैं, उसके बाद दर्श की रचना होगा। दर्श की रचना हुआ है, बहुत ही खुश थे दर्श। थोड़ा सा खाया जाता है, बार बार लगेगी मुझे, कितनी देर तक मुझे खड़ा होना पड़ेगा फाइनली इनके भाई जी आके सपोर्ट देने के लिए। फिर दर्श दादी बोली बस बेटा थोड़ी देर में, इसके बाद दर्श का रचना हुआ। दर्श ने दूध पिया है। किस किस के यहाँ ये रचना और दूध पिलाने वाला होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो हर चीज़ ये चीज़ ज़रूर होती है, ये तो इम्पोर्टेंट होता है बर्थडे के लिए। ये भाई जी आ गए उनको सपोर्ट करने के लिए कि दर्श पी लो यार, मैंने भी पिया था, बट दर्श को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी दिखने से पी लिया था। तो फाइनली सब कुछ हो चुका था और दर्श को पैसे भी मिल चुके थे। दर्श बहुत खुश था पैसे लेकर। अब बारी आई सबसे आशीर्वाद लेने की। दर्श ने पहले अपनी दादी, बड़ी माँ, भाई जी, बड़े पापा सबके दर्श ने पैर छुए। दर्श बहुत खुश था। आज वो डे आ गया था जब हम सब लोग रेडी होके कानपुर जा रहे थे। दर्श का बर्थडे भी था और बाकी सुंदरकांड और ग्रैंड ओपनिंग की सेरेमनी भी थी। आज श्री राधे ट्रेडर्स के नाम से सजा का बिजनेस शुरू किया मिस्टर सूर्य मिश्रा ने, तो दर्श के मामा हैं। तो दर्श के लिए बहुत एक्साइटेड था, कह देखो माँ मैं कैसा लग रहा हूँ। और फाइनली हम सब जा रहे थे कानपुर, वासु दर्श दोनों अपनी दादी के पास बैठे थे और बहुत ही हैप्पी थे, बहुत ही खुश थे।
दोनों ने सेम कलर की वॉच पहनी थी, सेम ड्रेसेस पहनी थी, सेम टू सेम दोनों भाई बन के गए थे। और ये देखिए कि हम सब लोग जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में निकले थे क्योंकि टाइम से वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन सुबह से शुरू होना था। वहाँ पहुँच गए हैं और अभी फ़िलहाल वहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है ओपनिंग की। और ये पूरा डेकोरेशन है वहाँ का, कानपुर में है ये नरामो के पास। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब फंक्शन हो गया। उसके बाद भोले बाबा का अनलॉक करने वाले हैं, बगीचा में जाकर सुनेंगे। फाइनली ये बारी आ गई थी दर्श के केक कटिंग की, तो दर्श के मामा के यहाँ से केक कटिंग कराई गई थी क्योंकि उस दिन मामा और भांजे दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल डे था। तो दर्श के मामा दर्श की केक कटिंग की, दर्श को केक बहुत पसंद है, उसने भाई जी के ही बर्थडे में बहुत सारा केक खाया था। ये देखिए गाइस दर्श के बर्थडे की डेकोरेशन, दर्श बहुत खुश थे, उनके बाद भाई जी भी क्लैपिंग करते हुए। उसके बाद मामा ने पूरा देखिए गाइस सब लोग बैलून्स फोड़ रहे हैं, सब लोग, मामा ने दर्श के पूरे फेस पे केक लगा दिया था, दोनों बच्चों के फेस पे केक लगा दिया था। वार्षिक कहते मामा मुझे क्यों लगा रहे, मेरा कौन सा बर्थडे है। फिर दर्श को फाइनली बहुत सारे पैसे मिले थे, दर्श ने अपनी मामा को केक खिलाया और ख़ुद भी खा लिया। दर्श को बहुत सारे, दर्श बहुत खुश था, तब से पूछा था मामा आप केक कब कटेगा, फाइनली दर्श को केक भी खाने को मिला। भाई जी कहते यार इसमें क्या है, पहले खोल दो लो, बच्चे गिफ्ट्स के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो कैसा लगा आप सब लोगों को ब्लॉग, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, दर्श को बहुत सारी बेस्ट विशेस दीजिएगा हैप्पी बर्थडे की। इसी तरीके के मज़ेदार ब्लॉग्स और शॉर्ट्स देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई होप आप सब लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अपना ज़रूर दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए इन बच्चों को। ये देखिए पूरा वहाँ का व्यू, वहाँ का माहौल, दर्श तो पूरा केक से पूरा कार्टून हो गया था बन के। दर्श को इतनी मज़ा आ रही थी केक खाने में। तो कैसा लगा ब्लॉग, बाय, सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।